ऐसे मैं समाचार पत्रों में देखा हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया जा करके है, तो फैसला का समीक्षा हम लोग कर ले जा करके, अब उस पर सरकार देखेगी आगे क्या करना है। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐलान किया उनकी सरकार बनेगी तो समान वेतन उनका ख्याल रखेंगे और समान काम का समान वेतन। हम तेजस्वी से पूछना चाहेंगे, सरकार में थे तो सरकार में रहते क्यों नहीं करा पाए जाकर, क्यों रोका था उनको जाकर, सरकार में रहते ध्यान नहीं दिए। अब देख रहे हैं चुनाव का वक्त है तो झूठा आश्वासन दे रहे हैं जाकर के, जब भी करेंगे सरकार ही करेगी जाकर के, सरकार की सहानुभूति सचकों के साथ हमारी है जाकर के। लेकिन अब क्या फैसला है वो अध्ययन किया जाएगा और आगे इस पर विचार किया जाएगा। क्या साथ है आपकी सरकार इस मामले में? हम सबों की सहानुभूति है और मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में था और उच्चतम न्यायालय का प्रतिष्ठा वो देख रहे थे, फैसला आ गया है। अब फैसले को देखा जाएगा कि किस तरह का फैसला आया है। और अभी तो मान लेते हैं कि आचार संहिता भी लागू जा करके, अभी कुछ ऐलान भी नहीं, कुछ घोषणा किया जा सकता है जा करके। जब भी होगा अब चुनाव के बाद ही उस पर सरकार देखेगी क्या फैसला के मुताबिक, मतलब कि अंदर ही सरकार मन बना चुकी है कुछ करने के लिए नियोजित के लिए। ऐसे अभी तो कहते रहे कि अभी तो आचार संहिता कुछ कहना मतलब जाकर कुछ घेरे में आएगा मामला जाकर के। और माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है और फैसले को समीक्षा करने की ज़रूरत है, क्या उनका स्टैंड है, क्या उनका सुझाव है, क्या डायरेक्शन जाकर के है, सरकार उसको देखेगी। नहीं लगता कहीं ना कहीं बोर्ड पे कहीं ना कहीं इसका असर जो है बोर्ड पे भी पड़ेगा नियोजित का? ऐसे बिहार में मैं 5 चरणों के चुनाव जो संपन्न हो चुके हैं और 6 चरण का कल चुनाव संपन्न होने जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि पूरे राज्य में मैं करीब 32 लोकसभा क्षेत्र में मैं गाड़ी से भी गया हूँ, रेल से भी गया हूँ और हेलीकॉप्टर से भी। तो ग्राउंड पर हकीकत यही है कि आम जनता चाह रही है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने जा करके, उनके पक्ष में एक मतलब सुनामी और लहर है जा करके। और ऐसा इसलिए है कि 5 वर्षों में गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान सबकी चिंता उन्होंने की, जो का 55 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, ये नरेंद्र मोदी की सफलता 5 वर्षों की जा करके है। और उसको लेकर के एक हवा बना है पूरे देश के अंदर में, बिहार में, कि फिर से मोदी जी को लाओ।